हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपके साथ फिटनेस की कोई बात नहीं करने वाला, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी पहली इनकम जो मुझे यूट्यूब से मिली है। सो जब से मैंने चैनल बनाया तब से अब तक मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यूट्यूब से तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, यूट्यूब से तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, तुम इतना काम करते हो, इतनी वीडियोज़ बनाते हो, तो यूट्यूब से तुम्हें फ़ायदा क्या होता है। सो आज तक वैसे कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं हुआ था, आज मेरी फर्स्ट इनकम आई है तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले हैं यूट्यूब से। सो अब मैं लोगों को बता सकता हूँ कि भाई यूट्यूब से मुझे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये होता है कि जब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, जब पैसे नहीं मिल रहे तो काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी मुझे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और ये वीडियो बेसिकली सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है वो सबको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ कि आप लोग घर में बैठ के किस तरह से वीडियोज़ बना के यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, वो भी डॉलर्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो काफ़ी नीचे जा रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है। सो अगर आप डॉलर में इनकम जनरेट कर रहे हैं अपनी तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल सभी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, टीवी वगैरह ज़्यादा लोग दिखते नहीं है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सारे लोग यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। सो मैंने अपना चैनल जो स्टार्ट किया था वो तकरीबन 3 साल हो गए मुझे स्टार्ट किए थे, मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, 3-4 बार मैंने बनाया और मैंने डिलीट भी किया है, क्योंकि मेरा जो उस वक्त दिमाग था वो ये था कि एक दो वीडियोज़ थी जो मैंने यूट्यूब पर देखी थी फिटनेस रिलेटेड, मुझे लगा था कि मैं वो कॉपी करूँगा और मेरे भी अच्छे से व्यूज़ आ जाएंगे। उन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ आए हुए थे, तो मुझे लगा कि मैं उसी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे डालूंगा तो रातों रात मेरे मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। सो ऐसा कुछ हुआ नहीं वैसे, इसलिए मुझे फिर चैनल को डिलीट करना पड़ा। मैंने कुछ लग कर चैनल पर काम नहीं किया, मैंने प्रॉपर वीडियो शूट नहीं करी, मैंने जस्ट एक तरह से कॉपी पेस्ट किया काम, जिस तरह से अक्सर लोग कर रहे होते हैं। सो मुझे 3 से 4 बार करने के बाद ये बात रियलाइज़ हो गई कि भाई यूट्यूब पर काम करना इतना आसान नहीं है, पैसे मिलते हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन यूट्यूब पर अगर काम करना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। सो मैंने फिर कुछ टाइम के बाद गैप लेने के बाद मैंने वापस स्टार्ट किया। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो जाके देखें तो मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, मैं जस्ट मोबाइल से शूट करता था। मैं लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि आपने ये नहीं देखना कि अभी मेरे पास जो मेरी लाइटिंग है या मेरे पास माइक है या मेरे पास कैमरा है, सो आपने ये नहीं देखना कि अभी मेरे पास ये है तो मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ, मैंने मोबाइल से भी वीडियो बनाई है। आपके पास जो भी इक्विपमेंट मौजूद है आप उससे वीडियो बना सकते हैं ईजिली, आपका सिर्फ कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, जो आप बना रहे हैं जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं सिर्फ वो अच्छी होनी चाहिए, बाकी आपने किस चीज़ की फिक्र नहीं करनी, सही है। सो इस तरह से आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, बहुत आसान है, जाके चैनल बनाएं। मैं इस पर पूरा सिखाऊंगा नहीं कि चैनल किस तरह से बनाना है, इसकी आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि यूट्यूब पर आप किस तरह से अपने चैनल बना सकते हैं। सो आपने एक कोई भी एक कॉन्टेंट चूज़ करना है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ फीमेल्स हैं जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती तो वो वॉइस ओवर कर सकती हैं, आप कोई भी नॉलेज शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने शॉर्ट वीडियोस नहीं बनानी ये सोच के कि उससे आपका चैनल ग्रो होगा। शॉर्ट वीडियोस लोग बना रहे हैं, चैनल ग्रो भी हो रहा है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस पे इनकम इतनी खास जनरेट नहीं होती, क्योंकि इनकम जो जनरेट होती है बेसिकली यूट्यूब के ऊपर जिस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं वो हैं एड्स, आपको मिलते हैं पैसे एड्स के। शॉर्ट वीडियोज़ पर इतना ज़्यादा एड आते नहीं हैं, क्योंकि वो 15 सेकेंड से 1 मिनट की होती हैं, और यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि आपकी वीडियो की मैक्सिमम लेंथ 8 मिनट से अबव होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मिड रोल के एड वगैरह होते हैं। तो अगर आपकी 8 मिनट से ऊपर की वीडियो है और वो आपके कोई देख रहा है और पूरी वीडियो देख रहा है तो स्टार्टिंग में भी ऐड आएगा, मिड में भी ऐड आएगा और एंड में भी ऐड आएगा, उससे आपकी जो इनकम है वो अच्छी जनरेट होगी। शॉर्ट वीडियोज़ आजकल अच्छी हैं, मैं भी बना रहा हूँ, वो सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए अच्छी हैं, वो अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को अच्छी हैं, लेकिन जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो लॉन्ग वीडियोज़ पर होना चाहिए, सही है, और अच्छे कंटेंट पे। आपने कोई भी कंटेंट चूज़ करना है आप उस पर वीडियो बना सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप वॉइस ओवर कर सकती हैं, आप कोई भी नॉलेज शेयर कर सकती हैं, आप कुकिंग वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, सही है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं तो सैटरडे संडे सबके पास फ्री होता है, आप वीकेंड पर वीडियोज़ बना सकते हैं, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी डिसाइड करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हफ्ते में आपने 4 वीडियो डालनी है, हफ्ते में 3 वीडियो डालनी है, या हफ्ते में 2 वीडियो डालनी है, या महीने में 4 वीडियो डालनी है, आपने ये डिसाइड करना है, फिर आपने उसके ऊपर काम करना है। आप वीक में 2-3 वीडियो भी डाल सकते हैं, आप वीक में सैटरडे संडे वाले दिन भी वीडियो डाल सकते हैं। मैं जब शुरू में काफ़ी फ्री होता था जब कोविड का टाइम था तो मैं तकरीबन डेली वीडियोज़ डालता था, और अभी मैं इतना फ्री नहीं होता तो मैं अभी कम वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो मेरी ट्रेनिंग और मेरी पढ़ाई वगैरह है। यूट्यूब जो है वो मेरा हमेशा का सेकेंडरी फोकस रहा है,
मतलब मैं उसको सेकेंडरी में रखता हूँ कि एक साइड बिजनेस के तौर पे कि भाई मेरी वीडियो चल डल रही हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आते हैं, लोग फॉलोअर्स भी आते हैं, तो एक तरह से मेरा एक काम चल रहा है, बाकी मेरा जो फोकस मेन होता है वो मेरी ट्रेनिंग वगैरह होता है। सही है, अगर आप फ्री हैं, अगर आपके पास कोई काम नहीं है अभी करने के लिए, अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप इजीली यूट्यूब को टाइम दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आप फ्री हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट और है, वो ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हफ्ते में 3 डाल रहे हैं या हफ्ते में 4 डाल रहे हैं, सो इससे क्या होता है, एक यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो ये है कि जो बंदा कंसिस्टेंट होता है वीडियोस को लेके, जो हफ्ते में 3-4 वीडियो अपलोड कर रहा होता है, यूट्यूब उसकी वीडियोस खुद से प्रमोट करता है। ठीक है, उसकी वीडियोस खुद से सर्च में आती हैं जो बंदा ज़्यादा वीडियोस डाल रहा होता है। अब ये नहीं कि आपने ज़्यादा वीडियो के चक्कर में कुछ भी उठा के डाल देना, ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर कंटेंट बनाना है। जब मैं जो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल रहा था, मतलब हफ्ते में तीन चार डाल रहा था, तो मेरे पास व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बड़ी तेज़ी से आ रहे थे। जैसे ही मैंने थोड़ा सा कम मतलब करना शुरू किया, मतलब हफ्ते में 1, हफ्ते में 2, इस तरह से करना शुरू किया, मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ कम हो गए। मुझे खैर इससे इतना फ़र्क नहीं है क्योंकि मेरा एक काम चल रहा है, इसलिए मैंने इतना फोकस नहीं किया हुआ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा ज़्यादा डालना शुरू कर देता हूँ वीडियोस, जब मुझे टाइम नहीं मिलता मैं थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप चैनल अपना ग्रो करें तो आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, आप हफ्ते में 3-4 वीडियो डालना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि बस आपका आपकी जो भी जॉब है, अगर आप जॉब करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा प्राइमरी फोकस जो है जॉब रहे और सेकेंडरी में यूट्यूब को लेकर चलूँ, तो आप सैटरडे संडे को वीडियोज़ बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपने मोबाइल से शूट करना है, मोबाइल से एडिट करनी है और मोबाइल से ही अपलोड करनी है। आपने ज़्यादा फिक्र नहीं करनी वॉइस क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी की और इस इक्विपमेंट की, लाइटिंग वगैरह की, कि यार मेरे पास लाइट नहीं है या मेरे पास सामान नहीं है। संडे को वीडियो बनाए और जाकर अपलोड कर दें। सिर्फ बताने का मकसद यह है कि आप इजीली अपनी जो है अर्निंग कर सकें। इसके अलावा मैं अपनी अर्निंग आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरी जो फर्स्ट इनकम है वो क्या ही है मेरे पास। इसकी मुझे एक्साइटमेंट काफ़ी है, वैसे इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ये इनकम है, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि कितने पैसे हैं, क्योंकि YouTube की पॉलिसी है ऐसी, कुछ ऐसी है कि आप अपनी वीडियोस के अंदर जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो नहीं बता सकते। सो इसकी एक मुझे खुशी भी है, वो ये क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है और आज मुझे इसका एक फल, छोटा सा फल मिला है। वैसे जितनी मैंने मेहनत करी उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन है कुछ तो है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि YouTube जो आपके पैसे है वो एड्स के देता है, सिर्फ आपको पैसे मिलते हैं एड्स के, जो YouTube पे एड्स जनरेट होते हैं आपकी वीडियो के ऊपर उसके आपको पैसे मिलते हैं। सही है, इसके अलावा पैसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते। सही है, मतलब लाखों में हज़ारों में नहीं होते, कुछ सेंट्स के अंदर होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इसलिए बन जाते हैं कि आप जब ज़्यादा वीडियो डालते हैं तो उन सारी वीडियोज़ के मर्ज होकर आपको इनकम मिलती है। सही है, मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि यार आपके चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो आपको पैसे कैसे मिल रहे हैं। सो भाई, YouTube का एक छोटा सा क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको अपने चैनल के अंदर वो देखने के लिए मिल जाएगा जब भी आप बनाएंगे। तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी आपका जो है इनकम है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी उसके बाद से। ठीक है, लोग इसको देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा होगा। इसको पूरा करना कोई भी बड़ा मसला नहीं है। सही है, अगर आप वीडियोज डालना स्टार्ट करते हैं, आप तकरीबन 40-50-60 वीडियोज़ डाल देते हैं, अच्छा कंटेंट बना के डाल रहे हैं, 8-8 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं, तो आपका जल्द से जल्द ये मोनेटाइजेशन का जो सारा क्राइटेरिया है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको फोकस नहीं करना कि इससे पूरा कैसे करूं, क्योंकि लोग जो हैं बड़ी टेंशन ले लेते हैं कि यार ये पूरा कैसे होगा। सो आपने इससे नहीं घबराना है, आपने जस्ट वीडियो पर फोकस करना है। मैं भी स्टार्टिंग में इससे घबरा रहा था। जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, आप 50-60 वीडियो अपनी डाल देते हैं, सो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल 60 वीडियोस पड़ी हुई यूट्यूब के ऊपर और वो 1000 लोगों ने भी देखी हैं सारी 60 वीडियोस, हर वीडियो पर आपके 500-600 व्यूज़ आए हुए हैं, सो आप देखें कि आपका कितना ज़्यादा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा 60 वीडियो को अगर आपने डाला हुआ है तो। सो मेरे साथ भी यही हुआ, जब मैंने वीडियो डालना शुरू करी तो मेरे कोई बहुत ज़्यादा लाखों में व्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े व्यूज़ करके मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया। तो आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक गलती नहीं करनी जो तकरीबन सारे यूट्यूबर्स करते हैं, नए यूट्यूबर्स जो होते हैं वो सब करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे ही कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं वो सबको मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा YouTube के ऊपर दूसरी वीडियो पर जाके कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आप जाएं और मेरा चैनल देखें। ये गलती आपने नहीं करनी, मोस्टली नहीं करनी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोग आपका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, आप किसी से ज़बरदस्ती करवाएंगे, किसी से मिलेंगे, आप बोलेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तो स्टार्टिंग में तो वो लोग कर देंगे, लेकिन बाद में वो चैनल आपका अनसब्सक्राइब कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है
कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आपका आपके कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, सही है। जब वो यूट्यूब खोलेंगे तो आपकी वीडियोज़ उनके सामने आएंगी और उन्हें नहीं देखनी आपकी वीडियोज़, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। इससे आपके चैनल के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट आता है। तो लोग ये गलती, मैंने भी ये गलती बहुत की है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग उनमें से ऐसे हो कि उनको मेरा मैसेज गया, तो ये गलती मैंने बहुत की है। आपने ये वाली गलती नहीं करनी है। आपने जब अपने चैनल पर फोकस करना है, अपनी वीडियो से फोकस करना है, जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा डालना शुरू करेंगे, तो YouTube आपका चैनल खुद से आपकी वीडियो को खुद से ही सजेशन में डालेगा और सजेशन में उनके सामने लेकर आएगा जिनका इंटरेस्ट उस कंटेंट में होगा। जब वो आपकी वीडियो देखेंगे, उनको अच्छी लगेगी, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आपको कमेंट भी करेंगे, आपको इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई सवाल पूछेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, और आपकी कम्युनिटी वो बिल्ड होगी जिनका इंटरेस्ट आपके कॉन्टेंट में होगा, तो वो कहीं नहीं जाएंगे वो लोग, सही है। वो आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपके साथ ही रहेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। मेरे साथ भी जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में फॉलो किया था, जब मेरे जस्ट 100-200 सब्सक्राइबर्स थे, उनमें से काफ़ी सारे लोग जिनको मैं पर्सनली नाम से भी जानता हूँ, वो मेरे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको मेरा जो कंटेंट है वो पसंद है। चाहे मेरा चैनल बहुत छोटा सा ही है, मेरे व्यूज़ बहुत कम है, लेकिन वो स्टिल मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। सो इस तरह से आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आप अगर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी डिटेल चाहिए, किसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो रही है, चैनल बनाने में कन्फ्यूजन हो रही है, वीडियो बनाने में कन्फ्यूजन हो रही है, कॉन्टेंट की सोचने में कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि शेयर करने से कोई और ये वीडियो देखे और शायद वो चैनल बना ले। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।